और इधर देखिए यहीं पर शायद प्रोग्राम हो रहा है। यहाँ पर देखिए हाँ आइए आइए। तो रंजिला का एनुअल फंक्शन में हम लोग पहुँच गए हैं दोस्तों। अभी हम लोग सभी पे बैठे हुए चेयर में, काफी एकदम सुंदर लग रहा है दोस्तों। एकदम सब कोई बैठे हुए हैं और प्रोग्राम का आनंद लेते जा रहे हैं। देखिए सभी को जो है लाइन में लगे हुए हैं, यहीं पर खाना पीना मिलेगा। तो सोनम भी लाइन में लग गई है दोस्तों। देखिए कितना बढ़िया बढ़िया सलाद है, एकदम प्याज है, देखिए खीरा है, देखिए इधर टमाटर है, देखिए यहाँ पर स्पेशल तड़का है। बस 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 दो काफ़ी है, बस 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 हो गया हो गया। देखिए यहाँ पर मीठा का भी व्यवस्था किया गया है। वाह, तो हम लोग सभी कोई खाना ले लिए हैं दोस्तों। ये देखिए एकदम पूरा मस्त एकदम वेराइटी वेराइटी खाना लिए हुए हैं। पूरा एकदम साफ सुथरा जगह है। अब चलते हैं, हम लोग यहीं पर खाना खाते हैं। हेलो दोस्तों, आप सब लोग हमारा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी ज़िंदगी में खुश होंगे। तो दोस्तों आप लोग जैसे कि पिछले वीडियो में देखे थे कि हम लोग के साथ में सोनम और रंगीला भी आ गए थे घर। तो आज जा रहे हैं दोस्तों इन लोग को छोड़ने के लिए, और आज स्कूल में बहुत बड़ा प्रोग्राम है। तो वहाँ पर हम लोग प्रोग्राम में भी अटेंड करेंगे और इन लोग को भी छोड़ देंगे। तो अभी हम लोग तैयार हो गए हैं दोस्तों सभी कोई। अब हम लोग निकलेंगे। देखिए पूरा एकदम साज धाज के रेडी हैं। देखिए इधर लक्ष्मी भी रेडी हो गई है, कविता जी भी रेडी हो गए हैं, और सोनम भी रेडी हो गई है, और इधर देखिए रंगीला बाबू भी रेडी हो गया है। क्या बाबू स्कूल जाएगा? देखिए पहले ही स्कूटी में बैठ गया है और चश्मा भी उल्टा लगा लिया है। देखिए इसका स्टाइल ऐसे लगाना है, इसे इस तरह से लगाना है, ऐसे लगाओ। आज पूरा एकदम रंगीला का स्कूल में प्रोग्राम है। रंगीला का आज स्कूल में प्रोग्राम है ना, इसलिए देखिए पहले ही पूरा एकदम साज धाज के रेडी है। एकदम लाल लाल दिख रहा है। अच्छा, और देखिए कुछ कपड़ा भी ले लिए हैं दोस्तों, क्योंकि अभी भी झारखंड में ठंडा लगता है। तो उसके लिए देखिए ये ले लिए हैं वहाँ पर प्रोग्राम में पहनने के लिए कोट, और देखिए एक जैकेट ले लिए हैं, क्योंकि शाम में ना काफ़ी ठंडा लगता है, इसलिए जैकेट और मफलर भी ले लिए हैं साथ में। अब चलते हैं, डिक्की में डाल देते हैं। अरे डिक्की हम खोले हैं तब ना डालेंगे कपड़ा को। और इधर देखिए सोनम और रंगीला का कपड़ा है, इसको भी लेते जाना है तब ना वहाँ पर पहनेंगे क्या। और इधर देखिए हेलमेट भी ले आए हैं, यानी सब रेडी हैं। अब चलते हैं हम लोग, फटाफट हेलमेट लगाते हैं और निकलते हैं। और अभी सुबह सुबह का मौसम देखिए दोस्तों, कितना मस्त एकदम फ्रेश धूप उगा हुआ है। पूरा एकदम कभी कभार जो है बारिश होने लगता है, लेकिन अभी देखिए पूरा एकदम बारिश का बादल एकदम पूरा छट गया है और धूप उग गया है। क्योंकि सुबह सुबह में ना पूरा एकदम अच्छा धूप रहता है, फिर बाद में उधर कर देता है उधर बारिश वगैरह का मौसम। तो इसीलिए सोचे कि हम लोग सुबह सुबह ही निकल जाते हैं, और हम लोग को 10 बजे वहाँ पर अटेंड होना है, इसीलिए सोचे कि जल्दी ही हम लोग निकलते हैं। इसीलिए हम लोग सुबह से ही पूरा एकदम तैयारी में लगे हुए थे। क्या सोनम खोली इसको। अब चलते हैं, हेलमेट लगाते हैं और निकलते हैं जल्दी से। इस सब हेलमेट ऐसा है ना कि एक हाथ से लगता ही नहीं है, डबल हाथ लगाना पड़ता है। देखिए गाड़ी वगैरह सब घुमा लिए हैं, एकदम पूरा पहुँच पाँच के पूरा एकदम रेडी है। अब चलते हैं, फटाफट निकालते हैं हम लोग सभी को। चलो बाबू तुम आगे तरफ आता है ना, वहाँ पर फुआ और मम्मी रहेगी तो आटेंगे सब कोई। चलिए तो हाँ, चलिए 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 बैठिए। तो गाड़ी निकालिए दोस्तों रोड में। चलिए जल्दी बैठिए, लेट हो रहा है। मेरा आज इसका प्रोग्राम है ना, इसीलिए पूरा एकदम सभी को हर बारी में हम लोग को रेडी होना पड़ा। प्रोग्राम बोलेगा ना बाबू, क्या बोलता है प्रोग्राम? हाँ, तो सभी कोई गाड़ी में बैठ गए हैं दोस्तों बढ़िया तरह से। अब हम लोग चलते हैं सीधे रांची। क्या सुना? चलिए बाय बाय कर दो बाबू, दादी को बाय बाय कर दो। बाय बाय। अब हम लोग चले सीधे प्रोग्राम में रांची। तो हम लोग घर से निकल गए हैं दोस्तों, अब सीधे चलते हैं जल्दी से प्रोग्राम में। हम लोग को टाइम से पहुंचना है का। हाँ हाँ चलिए, 10 बजे का टाइम है। हाँ सुबह ही सुबह हम लोग निकल गए। हाँ चलिए प्रोग्राम के चलते ना सुबह सुबह ही रेडी होना पड़ा। जल्दी नहीं जाएंगे तो फिर छूट जाएगा उधर। हाँ तो क्या फायदा जाने का फिर का। हाँ जल्दी ही पहुँच जाएंगे। मेन रोड पकड़ेंगे ना बाद में सीधा जो है चलते रहेंगे। हाँ तो रांची हम लोग पहुँच गए हैं दोस्तों, और जहाँ पर प्रोग्राम होने वाला है वहाँ पर भी आ गए हैं और साइड में गाड़ी लगा दिए हैं। अब हम लोग चलते हैं प्रोग्राम का हॉल में, है ना। हाँ। चलिए तो चलो बाबू, चलो बाबू चलो। आज मेरा प्रोग्राम होने वाला है। हाँ आज बाबू का प्रोग्राम होने वाला है ना बाबू। चलो 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 जल्दी जल्दी चलो चलो। लक्ष्मी देखिए पूरा लक्ष्मी खुश हो रही है एकदम। देखिए कैसे दौड़ रही है। दोनों भाई बहन आगे आगे चलो। चलिए देखिए शायद इधर ही हो रहा है, सभी कोई इधर ही जा रहे हैं। चलिए जी बहुत बड़ा हॉल है, बहुत बड़ा हॉल है ना। देखिए काफ़ी बड़ा हॉल है दोस्तों, ये देखिए कितना बड़ा हॉल में प्रोग्राम हो रहा है। ये बैंकेट हॉल है, यहाँ पर शादी विवाह सब होता है एकदम। मैरिज हॉल है। हाँ देखिए साइड साइड में कितना अच्छा फूल लगा दिए हैं, बहुत बढ़िया लग रहा है एकदम देखने में। इधर भी लगा हुआ है, देखिए इधर साइड में पार्किंग वगैरह सब एकदम लगा हुआ है। देखिए इधर गाड़ी वगैरह खड़ी किए हुए हैं। देखिए यहाँ पर कितना अच्छा ग्राउंड है दोस्तों, ये देखिए एकदम पूरा एकदम घास देखिए कितना एकदम हरा भरा है एकदम। ये देखिए एकदम क्या हाँ देखिए काफ़ी अच्छा सजावट है दोस्तों ये हॉल का। देखिए साइड में पूरा एकदम इस तरह से एकदम रेलिंग वगैरह दिया हुआ है। और इधर देखिए यहीं पर शायद प्रोग्राम हो रहा है। यहाँ पर देखिए इधर गुब्बारा वगैरह लगा हुआ है हॉल के अंदर में। देखिए बाहर में काफ़ी सारे मेम लोग हैं और अंदर में शायद प्रोग्राम हो रहा है। देखिए काफ़ी सारे गार्जियन लोग आए हुए हैं। गुड मॉर्निंग मैम। देखिए यहाँ पर नाम लिखना पड़ता है बच्चों का। नाम लिख दीजिए अमित का। देखिए सभी का पेरेंट्स आए हुए हैं दोस्तों। देखिए पूरा हॉल पूरा एकदम फुल हो गया है एकदम, पूरा बच्चों का पेरेंट्स आए हुए हैं। आइए आइए। तो रंजिला का एनुअल फंक्शन में हम लोग पहुँच गए हैं दोस्तों। अभी हम लोग सभी कोई बैठे हुए चेयर में और हम लोग प्रोग्राम का आनंद ले रहे हैं। देखिए इधर छोटे छोटे बच्चे प्रोग्राम के लिए कैसे रेडी हो गए हैं। ये देखिए इधर पूरा तैयार है एकदम ड्रेस अप के साथ में, कितना अच्छे लग रहे हैं। और उधर देखिए स्टेज के ऊपर में बच्चे लोग वहाँ पर डांस करने के लिए, प्रोग्राम करने के लिए देखिए वहाँ पर कितना अच्छा वहाँ पर सज धज के गए हुए हैं एकदम। काफ़ी एकदम सुंदर लग रहा है दोस्तों एकदम, बहुत मज़ा आ रहा है एकदम। तो हम लोग सभी को बैठ करके एंजॉय करते हैं दोस्तों। हम लोग सिर्फ देखेंगे कि बच्चों का प्रोग्राम कैसा होता है, कैसे डांस वगैरह करते हैं। क्या सोनम रंगीला रहता ना तो उसका भी डांस प्रोग्राम होता है क्या। हाँ लेकिन ये भाग नहीं ले पाया। हाँ तुम अगला साल करेगा, अगला साल। हाँ अभी देखो सीखो है ना। और उधर देखिए पेरेंट्स लोग भी आए हुए हैं बच्चों का। देखिए एकदम सब कोई बैठे हुए हैं और प्रोग्राम का आनंद लेते जा रहे हैं। और कोई फोटो खींच रहे हैं, कोई वीडियो कर रहे हैं, सब कोई एकदम अपना अपना लग गए हैं एकदम क्या एंजॉय करने में। देखिए डांस प्रोग्राम शुरू हो गया। ये देखिए देखिए कितना अच्छा डांस कर रहे हैं छोटे छोटे बच्चे। जो जिस तरह से प्रोग्राम में भाग लिए हुए थे उसी तरह से बच्चों को अवार्ड दिया जा रहा है। ये देखिए तो बच्चों का एनुअल फंक्शन ख़त्म हो गया दोस्तों। एकदम ज़बरदस्त रंगारंग प्रोग्राम चला बच्चों का, डांस गाना साथ में अवार्ड भी दिया गया। बहुत ही एकदम मज़ेदार प्रोग्राम चला एकदम, सबको एकदम मज़ा आ गया। जितने भी यहाँ पर पेरेंट्स आए हुए थे सभी बच्चों का, सभी कोई आनंदित हुए, बहुत अच्छा लगा एकदम। और प्रोग्राम में जितने भी उपस्थित थे दोस्तों सभी को जो है पूरा एकदम झूम उठे एकदम। प्रोग्राम बहुत तरह का एकदम चला और अभी सभी कोई बाहर निकल गए हैं। देखिए पेरेंट्स लोग। और इधर देखिए खाना का भी आयोजन किया गया है दोस्तों, यहाँ पर डिनर वगैरह चलेगा। देखिए सभी को जो है लाइन में लगे हुए हैं, यहीं पर खाना पीना मिलेगा। देखिए इधर साइड है, देखिए प्लेट वगैरह है। देखिए यहाँ ये क्या है, सूप है, सूप पिएगा बाबू। देखिए ऋषभ बाबू भी आ गया है। क्या खाएगा चलो चलो चलो। देखिए इधर चाउमीन वगैरह सब मिल रहा है, देखिए सब आइटम मिल रहा है यहाँ। देखिए कितना बड़ा एरिया है मैरिज हॉल का, देखिए काफ़ी बड़ा हॉल है। देखिए अंदर में पूरा हॉल ही हॉल है और इधर गार्डन वगैरह है, पूरा एकदम मस्त मस्त है। इधर देखिए पार्किंग है, बच्चों का स्कूल का यहाँ पर गाड़ी लगा हुआ है। देखिए यहाँ पर गेस्ट रूम है, ये सब बहुत अच्छा अच्छा पैलेस बनाया हुआ है रांची के अंदर में एकदम। देखिए सभी पेरेंट्स लोग जो है अभी सब बाहर निकल गए हैं और यहाँ पर खाना पीना भी लेंगे और सभी कोई खाना पीना खा करके चले जाएंगे। देखिए यहीं पर चाउमीन भी भुंजाते जा रहा है दोस्तों और मिलते जा रहा है, सभी कोई खाते जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर कितना ज़्यादा भीड़ लगा हुआ है। देखिए सभी कोई सुबह आए हुए हैं ना, तो सुबह सुबह सभी कोई बिना खाए आए हुए हैं, तो सभी कोई यहाँ पर खाना खा रहे हैं एकदम, चाउमीन वगैरह खा रहे हैं। देखिए सभी कोई अपना अपना जगह पे बैठ बैठ करके खा रहे हैं। देखिए उधर पानी का भी सुविधा है। देखिए इधर पेरेंट्स लोग खा रहे हैं अभी। ये फंक्शन जो है एक साल में एक बार होता है दोस्तों, इसलिए इसको बोला जाता है एनुअल फंक्शन। एनुअल फंक्शन में सारे उपस्थित पेरेंट्स लोग अभी यहाँ पर बाहर निकल करके जो है खाना का भी आनंदित ले रहे हैं। तो इधर चाइनीज डिश मिल रहा है दोस्तों और इधर देखिए लंच के लिए खाना का भी व्यवस्था किया गया है। ये देखिए इधर प्लेट वगैरह रखा गया है और उधर देखिए उठा उठा करके सभी कोई लेते जा रहे हैं। देखिए उधर बांटते भी जा रहे हैं। देखिए इस तरह से एकदम लाइन में लग करके एकदम पूरा डिसिप्लिन के साथ में खाना खाना है। देखिए कितना अच्छा व्यवस्था बनाया गया है इधर। अब चलते हैं, हम लोग भी लाइन में लगते हैं और खाना पीना खाते हैं। देखिए कविता जी और लक्ष्मी लाइन में लग गए हैं और इधर देखिए रंगीला बाबू है और ऋषभ बाबू। चलो बाबू लाइन में लगो, पानी अच्छा दे रहे हैं रुको। देखिए अभी रंगीला बाबू पानी पी रहा है, तुम भी पिएगा बाबू? हाँ अच्छा दे रहे हैं पानी के लिए। कितना अच्छा सुविधा बनाया गया है एकदम। यहीं पर नल फिट किया गया है और उसके ऊपर में बिसलरी बोतल जो है डाल देते हैं। यहाँ पर पानी एकदम ठंडा होकर के आता है, पियो। चलो देखिए सब कुछ एकदम पूरा व्यवस्था के साथ में बनाया गया है दोस्तों, एकदम मज़ा आ गया एकदम यहाँ पर आकर के एकदम। तो सोनम भी लाइन में लग गई है दोस्तों, अब यहीं पर हम लोग को खाना मिलेगा। देखिए उधर प्लेट रखा गया है बेंच में और उधर खाना ले ले करके पूरा एकदम आगे बढ़ते जा रहे हैं। देखिए इधर कितना अच्छा से एकदम प्लेट सजाया गया है एकदम। देखिए पूरा बढ़िया से रखा हुआ है और इधर देखिए चम्मच भी एकदम पूरा एकदम बढ़िया तरह से एकदम सजाया गया है। देखिए कितना अच्छा अच्छा एकदम स्टैंड है और इधर देखिए सलाद रखने के लिए कितना एकदम मस्त बनाया गया है एकदम, बहुत अच्छा लग रहा है एकदम। देखिए यहाँ पर चम्मच है, एगो चम्मच ले लेते हैं। देखिए कितना बढ़िया बढ़िया सलाद है एकदम, प्याज है, देखिए खीरा है, देखिए इधर टमाटर है, इधर मिर्चा भी एकदम पूरा हरा हरा। देखिए इधर भात है, देखिए कितना फ्रेश है एकदम, पूरा छोटा छोटा एकदम चावल का भात है। बस बस रंगीला बाबू को दीजिए, उतना ही पहले खा लो बाबू। देखिए यहाँ पर स्पेशल तड़का है, डालिए भैया। चलिए बस 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 दो को काफ़ी है, बस 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 हो गया हो गया। देखिए ये आलू गोभी का सब्जी है भैया, मिक्स वेज, चलिए पनीर का सब्जी है, पनीर सब्जी है ना। चलिए देखिए यहाँ पर मीठा का भी व्यवस्था किया गया है, वाह मस्त आइटम है एकदम। इधर जिलेबी भी है ना। देखिए पीछे पीछे कविता जी और सोनम, उसके बाद रंगीला बाबू, ऋषभ बाबू, सब एकदम एक लाइन में है, सब झोंकाते हुए आ रहे हैं। इधर आओ इधर आओ इधर आओ। तो हम लोग सभी कोई खाना ले लिए हैं दोस्तों। ये देखिए एकदम पूरा मस्त एकदम वेराइटी वेराइटी खाना लिए हुए हैं और अभी हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पर पूरा एकदम डेस्क जैसा एकदम लग रहा है एकदम, बहुत अच्छा बनाया गया है बैठने के लिए। क्या जी बरामदा ही है लेकिन बढ़िया एकदम बना दिए हैं एकदम, पूरा एकदम साफ़ सुथरा जगह है। अब चलते हैं, हम लोग यहीं पर खाना खाते हैं। चलिए शुरू कीजिए। देखिए रंगीला बाबू और ऋषभ बाबू शुरू कर दिया खाना। चलते हैं अब फटाफट खाना खाते हैं हम लोग। देखिए कितना वैरायटी वैरायटी खाना के साथ में एकदम पार्टी हो रहा है। ये देखिए ये रहा जिलेबी, ये रहा रसगुल्ला यानी इसको काला जामुन भी बोलते हैं, ये रहा पनीर, ये रहा मिक्स वेज और देखिए ये रहा तड़का और भात। देखिए ये रहा पूड़ी एकदम मस्त वाला एकदम और इधर देखिए गाजर का सलाद, प्याज का सलाद और टमाटर का सलाद और देखिए खीरा भी है साथ में। सब एकदम पूरा मस्त वाला आइटम मिला हुआ है दोस्तों। अब चलते हैं, सभी कोई खाते हैं, खाना का आनंद लेते हैं। प्रोग्राम का तो आनंद बहुत ही अच्छा लगा लेकिन हम लोग अभी खाना का आनंद लेंगे। अब चलते हैं फटाफट खाते हैं। चावल वाला ही लगना है। तो खाना पीना हम लोग सभी कोई खा लिए दोस्तों। उसके बाद अभी आए हुए हम लोग गार्डन में। ये देखिए पूरा एकदम मस्त लग रहा है। देखिए कितना अच्छा घास बिछाया हुआ है और देखिए यहाँ का नज़ारा कितना मस्त है, एकदम पूरा मस्त धूप लग रहा है और इतना अच्छा यहाँ पार्क का नज़ारा है ना, बहुत ही अच्छा लगता है एकदम। यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा है। तो काफ़ी देर हम लोग गार्डन में एंजॉय किए दोस्तों। अब हम लोग चलते हैं सोनम का रूम है ना। चलिए चलो बाबू। देखिए रंगीला बाबू गुब्बारा ले लिया है रूम में खेलने के लिए। अभी लोग को छोड़ेंगे रूम में, उसके बाद में हम भी निकल जाएंगे घर है ना जी। हाँ। तो चलिए फटाफट चलते हैं रूम है ना। चलिए देखिए लक्ष्मी दौड़ रही है। लक्ष्मी धीरे धीरे चलो, दौड़ेगी तो गिर जाएगी। चलो बाबू चलो, जल्दी जल्दी चलो। तो गाड़ी के पास हम लोग आ गए दोस्तों। अब चलते हैं फटाफट गाड़ी निकालते हैं और सीधे चलते हैं सोनम का रूम। देखिए यहीं पर खड़ी है स्कूटी और देखिए झोला में सामान अभी तक यहीं पर है। इसको यहीं पर छोड़ दिए थे, इसको लेकर नहीं गए थे। उधर कहाँ ढोते चलते क्या। अब तो सोनम का रूम हम लोग पहुँच गए दोस्तों। और इधर देखिए रंगीला बाबू पहले ही आ गया हम लोग से। क्या बाबू ऋषभ लोग के साथ में। सामान ले लीजिए, सामान 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 नहीं उठाए, गाड़ियों में है। चलिए चलो बाबू चलो, चलो रूम चलो। चलिए जल्दी से रूम खोलिए। चलिए चलिए चलिए, झोला उठाइए और चलिए अंदर। देखिए साइकिल लेके खेलना शुरू हो गया इसका। और इधर देखिए लक्ष्मी आते ही बैठ गई लेदरा में। उस दिन का यहाँ पर बिछाया हुआ वही है ना। और देखिए इधर कविता जी सोनम का रूम पहुँचते ही इसको नींद आने लगा। क्या जी हाँ, वहाँ पूरा एकदम जाम करके खाए हैं ना पार्टी में, तो नींद अब आएगा ही। तो हम लोग बढ़िया तरह से पहुँच गए दोस्तों सोनम का रूम। अब हम लोग चलते हैं घर, हम और कविता जी। चलिए जी हाँ, जा रहे हैं। कपड़ा हो लेंगे तो हाँ, हम लोग कुछ कुछ कपड़ा यहीं पर छोड़ रखे हैं दोस्तों। उस सबको फटाफट भरते हैं और लेकर के चलते हैं सीधा घर। तो कपड़ा वगैरह भर लिए दोस्तों बैग में। अब चलते हैं लेकर के सीधा घर। ये वाला हम लोग उस दिन जा रहे थे ना एयरपोर्ट, उसी दिन का कपड़ा है, वही वाला यहाँ पर छूट गया था, तो यही सबको ले जाना था। तो ठीक है सोनम, हम लोग निकलते हैं। ठीक है बाबू, हम लोग जा रहे हैं। हाँ बाय बाय। तो सोनम का रूम से हम लोग निकल गए हैं दोस्तों। अब सीधे चलते हैं घर, क्योंकि काफ़ी समय हो गया है, घर में भी काम चल रहा है तो वहाँ भी देखना पड़ेगा। तो फटाफट सीधे घर ही निकलते हैं। तो घर हम लोग पहुँच गए दोस्तों और गाड़ी वाले घर पे घुसा दिए हैं। और अभी हम लोग आ रहे हैं कलोट वाला घर। अभी अभी हम लोग पहुँच पाए हैं। काफ़ी समय लग गया ना जी, और मौसम भी पूरा एकदम ख़राब कर दिया है पानी आने के जैसा। तो हम लोग जल्दी जल्दी हम लोग चले और अभी हम लोग घर पहुँच गए हैं अच्छा तरह से। चलिए सामान को यहीं पर रखते हैं। तो हम लोग बढ़िया तरह से पहुँच गए हैं दोस्तों, कोई तरह से दिक्कत नहीं हुआ। अब चलते हैं हम लोग, कपड़ा वगैरह चेंज करते हैं है ना जी। तो चलिए इस ब्लॉग कहीं पर रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अगर आप लोग चैनल में नए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हुआ तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।